वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। न्यूज मास्टर मोहम्मद रहीम की रिपोर्ट। भुसावल लाउड स्पीकर में अजान के लिए अनुमति जरूरी। उप विभागीय पुलिस अधिकारी सोमनाथ वाकचौरे साहब, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर में अजान पर पाबंदी। अन्य ऐलान बंद। प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए मुस्लिम उलमाए कराम को सूचना। आप लोग थोड़ी देर बैठिए, कुछ चीज़ों को समझिए। जज्बात हमारे अंदर बहुत होते हैं। हम लोग जो है तो जज्बात में आकर बहुत सारे काम और बहुत सारी गलत हरकतें कर गुजरते हैं, तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है, कुछ गलत फहमियों को दूर करने के लिए खासतौर से। तो सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, खासतौर से मेरे नौजवान भाइयों को, ये मैसेज दे देना चाहता हूँ कि अगर हमारे जहन में कहीं पर भी ये बात है कि ये सारा प्रोपोगेंडा, ये सारा माहौल जो है, तो किसी ने ये कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे इसके लिए हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है तो सिर्फ वो माहौल को रोकने के लिए कि किसी एक शैतान ने शैतानी किया, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी जैसे साहब ने बताया कि 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन 5 का, लेकिन आज तक के जो है तो पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट हमको साथ देते आ रहे थे कि चलो भाई 3-4 मिनट के अजान में टेंशन नहीं है तो कोई मामला बनता नहीं है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन आज अगर कोई शैतान शैतानी पर उतरा है तो देश का माहौल खराब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया। पुलिस प्रशासन हमको ये बोल रही है कि भाई आप 6 बजे के पहले जो आपके अजान का मामला है उसको जो है तो माइक पर ना करते हुए आप अगर माइक के करो, तो ये भी अपनी बात अपने जहन को क्लियर कर लीजिए कि हमको अजान पर पाबंदी नहीं है, अजान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, पाबंदी सिर्फ माइक पर अजान देने की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो है तो बगैर माइकों के अजान होती थी, और बगैर माइक के अजान जो है तो हम आज भी दे सकते हैं, हम अपनी छतों पर जाकर अजान दे सकते हैं, और सिर्फ एक वक्त की जो है तो अजान का मसला है। रही बात दूसरी कि जिस मौसम में, जैसे सर्दियों के मौसम में हमारे 6:30 और 6:35 की भी जमातें होती है, तो 6:10, 6:05 की अजानें होती है, तो उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि हम 6 बजे के बाद में रूल के अंदर बैठ जाते हैं। तो हम जब यहाँ से परमिशन लेंगे, जैसे साहब ने बताया, तो हम ऑलरेडी इंशाल्लाह उनसे एक फॉर्मेट बनवा के लेंगे कि सुबह में 6 बजे से रात में 10 बजे के दरमियान हमारी अजानें हैं, इन अजानों के टाइमिंग अप्रॉक्सीमेट प्लस माइनस जो है तो ये टाइमिंग पर रहेंगे, तो आप हमको इसकी परमिशन दो। अब सर्दियों के मौसम में अगर 6:05, 6:10 पर अजान होती है तो फजर के अजान भी हम माइक पर दे सकेंगे, क्योंकि हम जो है तो कायदे के दायरे के बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ को हम जहन में रखें। क्या होता है कि जज्बात का आधी बात सुनते हैं और जज्बात क्या कह रहे हैं, तो ऐसा हो गया। अभी मेरे पास भी जो है तो कुछ भाई खड़े थे, हमारी 3 मिनट की तो अजान देती, उससे क्या होने वाला है। अरे ठीक है ना, 2005 से अभी तक भी हमारे को परमिशन मिल ही रही थी। तो अजान का सिर्फ एक वक्त के अजान का मसला है। और दूसरी बात, अभी साहब को हमने जो रिक्वेस्ट की वो भी उन्होंने मानी कि शहीदी के जो ऐलान रहते हैं, तो अभी लोग जो है तो अभी मुगालते में रह गए कि भाई अभी ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो कल जुमे की नमाजों में प्लस आज जितने लोग यहाँ बैठे, हम भी जो है तो मैसेज को आम कर देंगे कि भाई परसों से, यदि शनिचर के दिन सुबह की फजर की अजान जो है तो शनिचर से फजर की अजाने और शहीदी के ऐलान माइक में नहीं होंगे। तो हमको अंडरस्टैंडिंग में और खुद समझ के, वो टाइमिंग को समझ के हमको अपने शहरी के वक्त को खत्म करना है, तो ये मैसेज भी हमारा चला जाएगा। तो बस यही 2-3 चीजें हैं, इस पर अगर हम गौर करें और इस पर ध्यान दें तो इसको किसी चीज से छोड़ कर ना देखें कि किसी ने ऐसा बोला वैसा बोला। हमारा शहर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते आज तक, ना हमने कभी भजन कीर्तनों की कंप्लेंट की है, ना कभी हमारे अजानों की किसी भी वक्त हमारे हिंदू भाई ने कंप्लेंट की है कि भाई इनकी अजान से हमको तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि पूरे देश का माहौल आज बिगड़ा हुआ है और उसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं बल्कि अच्छे नागरिकों की, एक अच्छे जिम्मेदार शहरियों की भी होती है, क्योंकि हम जमहूरियत में जी रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे मुल्क की हिफाजत और इसको जलने से बचाने की जो है तो कोशिश आपको और हमको मिलकर करनी है। तो बस यही कुछ अल्फाज थे जो हमें बोलने थे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले बस मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं तमाम युवा की जानब से हमारे शहर के DYSP साहब, बागचुरे साहब और हमारे तमाम ही तीनों थाने के इंचार्ज इन तमाम का मैं हमारे उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत की जानब से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उससे हमें आगाह किया। तो सर मैं आपको ये आभार देता हूँ और हमारी तरफ से स्पष्ट देना चाहता हूँ कि हम उलमा अहले सुन्नत अलहम्दुलिल्लाह इस बात में मुत्तफिक हैं तमाम के तमाम और हम सब मिल करके अपनी मसाजिदों से कल बरोज जुमा को ये ऐलान करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए है हम सब मिलकर उसका आदेश उसका पालन करेंगे और आपका जो आदेश है मुसावत के वापस उसको पहुँचना चाहिए। शुक्रिया। आप तमाम लोगों से ऐलान किया जाता है कि सप्ताह के जितने भी हमारे साहब हैं इन लोगों ने जो बात फाइनल करी है उसको हमें समझ लेना चाहिए और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। 2005 बाद से जो आदेश निकला था उस वक्त बाद से हमने खास तौर पे हमारी मस्जिद अल फरार जामा मस्जिद हमने 6 के पहले कभी अजान नहीं दी माइक में अजान नहीं दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो हमारा काम है भाई कि हम जो है जो अब हम अगर बेवसूली करेंगे तो जाहिर बात है कि परेशानी होगी वरना यह हमारे प्रशासन हमारे साहब लोग जो है और ख़ासतौर पर भुसावल में जो भी आते हैं एक मरतबा दीपक पांडे साहब आए थे उन्होंने भी ऐसी मीटिंग में एक ही बात कहा कि देखो भाई मैं जो हूँ ना मैं इंसान पसंद आदमी हूँ जो गलत करेगा मैं उसे किसी नहीं छोड़ता चाहे वो पांडे हो या ना। तो उन्होंने एक शेर कहा था सर कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ मैं इनके हवाले से कह रहा हूँ आप सब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि सबके साथ एकता समान करना। कहा मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। आता तुमचा सगळ्यांचा वेळ झालाय मी फक्त मोजून 2 मिनिटं सांगतोय हा जो निर्णय आहे तो सर्व धर्मियांना आहे। आज जे आपले DJ असतात किंवा लॉन्स वाले आहेत जे लग्न आहेत हिंदू धर्मियांचे पण लग्न असतात त्यांची मीटिंग आहे त्यांनाही तोच वेळ सांगितला जाणार आहे की 10 नंतर 1 मिनिट सुद्धा ऐकलं जाणार नाही। मंदिरांची पण मीटिंग आहे त्याच्यानंतर गुरुद्वाऱ्यांची आहे चर्चेसची आहे आणि बुद्धविहार जे आहेत त्यांची पण मीटिंग आहे। नियम सगळ्यांसाठी एकच असणार आहे त्यात तुम्ही असं समजू नये की त्या विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला टार्गेट केलं जात आहे आणि आपल्या गावाचं वातावरण तुम्ही खराब होऊ देऊ नये आणि जाती धार्मिक सारखं सगळ्यांनी मेंटेन करून राहू द्यावा आणि तसं काय जर आढळलं तर तो मेसेज फॉरवर्ड करू नये किंवा झालेल्या जसं ते आपल्याकडे प्रकार झालाय की त्या मुलाला माफी मागितल्यानंतर काय झालं नाही आगाऊपणा करून पुढे जाऊन त्याचा व्हिडिओ बनवलेला होता तसं काही होऊ देऊ नका। दोन्ही बाजूकडून जर चूक झाली तर पोलिसांना कायदेशीर कारवाई करणं भाग आहे आपल्याला आपल्या शहरात वातावरण जे आहे ते शांततेतच राहू द्यायचं आहे इतिहास तसं आहे इथले लोक भांडत नाही आहेत धार्मिक कारणावरून तर आपल्याला ते तसंच ठेवायचं आहे आणि असं बोलून मी सुरू करायची परवानगी दिला आणि तुमची वेळ झालेली आहे असं करून धरून हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। थँक्यू। जय एक बैठक घेतली आहे आणि सर्व मस्जिदचे जे काही जबाबदार नागरिक आहेत त्यांनी या ठिकाणी सर्वांच्या साक्षीने आता पोलीस प्रशासनाला असं मान्य केलेलं आहे की यापुढे खात्री दिलेली आहे की परवापासून पुढे अजानची जी काही नमाज आहे ती नमाज बैठक पोलीस प्रशासनाकडून या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती रमजानच्या पार्श्वभूमीवर त्याचप्रमाणे जे काही लाऊड स्पीकरचे सद्यस्थितीमध्ये जे काही निर्देश आहेत त्या पार्श्वभूमीवर ही मीटिंग आपण घेतली होती आणि सर्व शहरातील मुस्लिम नागरिक मौलवी यांनी या ठिकाणी हे मान्य केलं आहे की परवापासून जे अजान आहे ते अजान माईकवर न होता साधेपणाने होईल आणि जे काही सुप्रीम कोर्टाचे
जजमेंट आहे 2005 ते जजमेंट शब्दशः भुसावळमध्ये फॉलो केलं जाईल अशी खात्री असं आश्वासन आपल्याला सर्व जबाबदार नागरिकांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. मी प्रशासनाच्या वतीनं शहरातील सर्व जबाबदार नागरिकांचं याबद्दल मी अभिनंदन करतो आणि हा जो काही नियम आहे सुप्रीम कोर्टाचा जजमेंट आहे ते नक्कीच तंतोतंत शहरामध्ये फॉलो होईल. ओके.